दोस्तों 2024 में जीतेगी कांग्रेस पार्टी, हारेगी बीजेपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। क्या है पूरा सर्वे आपको बताएंगे। भैया आपको इस सर्वे में ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM कितनी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और क्या कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं, तो आप पूरे सर्वे को अंत तक ज़रूर देखें। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM को मिल रही हैं। यानी सीमांचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वो पूरी की पूरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM जीत रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 9 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 31 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। यानी पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी कमाल कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 47 इसमें से भाजपा को मिल रही हैं और 32 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। वहीं दोस्तों अगले प्रदेश की बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 38 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही हैं और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 14 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से 4 भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 18 सीटें यहां अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में दोस्तों 39 सीटें हैं, इसमें से 9 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से 16 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य असम की, तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, यानी अन्य यहां पर शून्य है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कर्नाटका की, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, यहां भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है ना उसको 21 सीटें मिल रही हैं, अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। यानी उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। भाई बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, यहां पर 8 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 21 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, यानी अन्य यहां शून्य पर है। वहीं बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल में 20 सीटें हैं, 20 में से भाजपा को यहां पर शून्य सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल रही हैं, अन्य यहां पर 4 हैं और अन्य यहां पर 4 सीटें जीत रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में से 5 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी पंजाब में हालत बीजेपी की ठीक नहीं है। वहीं मेघालय की बात करते हैं दोस्तों, तो मेघालय में 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है और मेघालय में इस समय दोस्तों 2 सीटें हैं, यानी 2 सीटें दोनों एक एक पार्टियों को मिल रही हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य का यहां पर दोस्तों खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 सीटें हैं, 11 में से 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं,
पांच में से भाजपा को तीन सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको दो सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है, यानी अन्य यहाँ पर जीरो पर है। वहीं दोस्तों, अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, इस सर्वे को ठीक माना जाए तो केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार रही है। वहीं दोस्तों, इस सर्वे के अनुसार 543 में से 208 सीटें भाजपा को जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको 302 सीटें जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर दोस्तों 8 सीटें जीत रही है। अन्य के खाते में दोस्तों यहां पर 35 सीटें जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर अच्छा प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, ओवैसी की पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, 2024 में जीतेगी कांग्रेस पार्टी, हारेगी बीजेपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। क्या है पूरा सर्वे आपको बताएंगे। भैया, आपको इस सर्वे में ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM कितनी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और क्या कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं, तो आप पूरे सर्वे को अंत तक ज़रूर देखें। वहीं दोस्तों, पहले राज्य की बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM को मिल रही हैं। यानी सीमांचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वो पूरी की पूरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM जीत रही है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 9 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 31 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। यानी पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी कमाल कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 47 इसमें से भाजपा को मिल रही हैं और 32 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। वहीं दोस्तों, अगले प्रदेश की बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 38 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही हैं और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 14 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से 4 भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 18 सीटें यहां अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में दोस्तों 39 सीटें हैं, इसमें से 9 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से 16 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगले राज्य असम की, तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, यानी अन्य यहां पर शून्य है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कर्नाटका की, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, यहां भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है ना उसको 21 सीटें मिल रही हैं, अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, यानी उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। भाई बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, यहां पर 8 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 21 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, यानी अन्य यहां शून्य पर है। वहीं बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल में 20 सीटें हैं, 20 में से भाजपा को यहां पर शून्य सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल रही हैं, अन्य यहां पर 4 हैं और अन्य यहां पर 4 सीटें जीत रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब में 13 सीटें हैं,
13 में से 5 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर भी दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी पंजाब में हालत बीजेपी की ठीक नहीं है। वहीं मेघालय की बात करते हैं दोस्तों, तो मेघालय में एक सीट बीजेपी को मिल रही है, एक सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। और मेघालय में इस समय दोस्तों 2 सीटें हैं, यानी 2 सीटें हैं दोनों एक एक पार्टियों को मिल रही हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 सीटें हैं, 11 में से 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको 2 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यानी अन्य यहाँ पर 0 पर है। वहीं दोस्तों अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, इस सर्वे को ठीक माना जाए तो केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी यहां पर चुनाव हार रही है। वहीं दोस्तों इस सर्वे के अनुसार 543 में से 208 सीटें भाजपा को जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसको 302 सीटें जा रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर दोस्तों 8 सीटें जीत रही है, अन्य के खाते में दोस्तों यहां पर 35 सीटें जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर अच्छा प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी ओवैसी की पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।